तो दोस्तों आप सभी को एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी मैं जो हूँ बांका जिला मंदार पहाड़ यानी कि यहाँ पे जो है 14 जनवरी को बहुत धूमधाम से मेला मनाया जाता है और ये काफ़ी ऊंचा है। माना जाता है कि समंदर जो मंथन हुआ है वो यहीं से हुआ है और यही वाला पहाड़ है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा अभी ऊपर से नज़ारा, पीछे मंदिर है दोस्तों। खड़ी खड़ी सीढ़ी ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसी सीढ़ी से चढ़ना होता है। पहले तो सीढ़ी भी नहीं रहता था, पहले ऐसे पत्थर पे चढ़ खड़ करके जाना होता था। तो अभी तो सरकार सीढ़ी भी बनवा दिया और ऊपर चढ़ने के लिए रोप वे भी लगा दिया है। ये देख सकते हैं रोप वे, इससे भी जा सकता है। पहले कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। यो वो आपका नहीं ले रहा। तो लगातार 15 मिनट से चलते चलते आधा भी नहीं चढ़े और काफी ज्यादा हाइट पे आप देख सकते हैं। काफी मतलब सांस फूल रहा है बोलने में, तो हद से ज्यादा जो है चढ़ाई है। कोशिश करेंगे लास्ट टाइम चढ़ने का। कैमरा मैन। तो दोस्तों हम लोग जो है फाइनल पहुंचने वाला है मेन चोटी पे, और आधे घंटे से ऊपर लग गया और अभी बाकी लगभग 10 मिनट का रास्ता है। दिखाएंगे आपको वहां का सीन। बहुत गर्मी। तो दोस्तों फाइनल जो है पहुंचने वाला है और आ चुके हैं। काफी ज्यादा थक गए दोस्तों। ये मेन गेट मंदिर की, जैन मंदिर, और ये इधर से एंट्री वाले लिया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, क्योंकि मेरे माइक बंद होने के कारण से मोबाइल का रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर चढ़ा रहे हैं। यहाँ से जब आप कैमरा नजर डालोगे नीचे तक क्या व्यू दिखा रहा है संदार, और नाम ही मंदार भाई तो सुंदर दिखेगा ही। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और तो दोस्तों हम लोग फाइनली जो है पहुंच चुका है मंदार पहाड़ यानी कि मेन चोटी पे, और ये हमारे पीछे में जो है जस्ट पीछे में ही मंदिर है जो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भाई कह रहा है क्या यार मज़ा आ रहा है, इनको भी वीडियो में ले लिए मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का नज़ारा देखिए, पीछे में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कुहरा कुहरा ज़्यादा है और ठंडी का मौसम है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ दिख नहीं रहा है। और नज़र से दोस्तों दिख रहा है, कैमरा से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और जब हम लोग आए थे ना तो कुछ भी इधर बना हुआ नहीं था। ये मंदिर चौतरा वगैरह जो दिख रहा है, ये बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था, सिर्फ एक मंदिर था। कलर भी नहीं किया हुआ था, वाइट कलर में पहले था। और अभी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब कुछ देखने को मिल रहा है बने हुए, जैसे कि रोपवे, और इधर आपको देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल मतलब कैमरा जूम करने के बाद में, और ये सारे आपको जो है यहाँ पर बने हुए चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि शौचालय वगैरह बन गया है, और ये आपका रोपवे का स्टेशन जो होता है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और आपको इधर से ही आपको जो है राम भरत का गुफा भी मिल जाएगा रास्ता जाने का, और एक नीचे से भी है। तो मैं आपको वो सब भी दिखाने की प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा दिख जाए। तो यहाँ वहाँ से दोस्तों मंदिर से हम लोग जस्ट जो है नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा माइक में चार्ज ख़त्म होने के कारण से मैं वॉइस ओवर मोबाइल से कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों ये राम भरत गुफा है, देखते हैं यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है या नहीं। क्या जी अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जाइए, बिल्कुल। कैमरा मैन फोकस कीजिए लगातार। चश्मा लगाइए सर। चश्मा आपके पास है ना सर, लगाइए। जा सकते हैं जी, देखते हैं ट्राई करके।
दोस्तों गुफा जो देखने में ना काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इसमें डर भी लग रहा है क्योंकि ऊपर जो चट्टाने हैं और उसके चट्टाने के भीतर भीतर जो है कुछ जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, सॉरी। सो दोस्तों हम लोग मंदिर से जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ, मतलब काफ़ी नहीं थोड़ा सा नीचे, और ये मैं इधर थोड़ा पहाड़ों का नीचे जा रहा हूँ थोड़ा इन्जॉय करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे वीडियो को सपोर्ट करना, हमारे ब्लॉगिंग को, ताकि हम ऐसी ऐसी जगह पे जाकर के आपको वीडियो दिखा सकूं। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, और अभी दियो भाई मस्ती है। हम लोग अपना भाषा में बोल रहे हैं डोंड, मतलब छठ पूजा का होता है ना डोंड देने के लिए, डोंड दिया। केला दिया नजरत। कैमरा मैन फोकस कीजिए जल्दी।